हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में दूसरा टाइप सवाल देखेंगे। कल हम लोग वाला टाइप देखे थे, जो भी कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, बाकी आज से टाइप टू चलेगा। कल हम लोग टाइप वन ख़त्म कर चुके थे, आज चलते हैं टाइप वन का एक सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद टाइप टू चलेंगे। ठीक है, रुको। चलिए, ये कल टाइप वन का ही सवाल है। कल टाइप वन में हम लोग तीन सवाल पढ़ चुके थे ना, आज चौथा सवाल है, इसको देख दो। देखो, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में। ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, आदमी लिखते थे। सबसे पहले हम लोग आदमी लिखते थे, इसके बाद समय लिखते थे, फिर कार्य क्षमता लिखते थे, और फिर पूरा काम जो होता था उसको लिखते थे। पूरा कार्य लिख दिया। आदमी जय हुआ है, आदमी के सामने आदमी लिखेंगे। इसमें ए नाम का आदमी है और बी नाम का आदमी है, दो आदमी है, ए और बी नाम का आदमी है। ए करता है 12 दिन में ना, और बी करता है 8 दिनों में। चलो, टोटल काम कैसे निकालते थे, लघुत्तम लेते थे, टोटल काम निकल जाता था मेरा। चलो, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 24। कार्य का इकाई यूनिट मान लो क्या, अब 12, ए का क्षमता कितना है, 24 यूनिट काम करता है 12 दिन में ना, 24 यूनिट काम करता है 12 दिन में। तो एक दिन में क्या यूनिट करता है, 12 दिन 24 अर्थात 2 यूनिट एक दिन में करता है। बी करता है 24 यूनिट काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन का क्षमता इसका कितना है, 3 यूनिट ना। अब क्या करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ना। तो ए प्लस बी ये दोनों अभी मिल गया, ये दोनों मिलकर एक दिन में अभी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करता है, मतलब ए का क्षमता 2 यूनिट और बी का क्षमता 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है ना। अब बोलता है कि टोटल काम मेरा कितना है रे, 24 यूनिट काम है, लेकिन अभी बोल रहा है कि उस काम के 5 गुने काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना, इस काम के 5 गुना काम। पहले 24 यूनिट काम था, अब इससे 5 गुना काम, 5 गुना काम मतलब 5 से गुना कर दो, 24 × 5 = 120, मतलब 120 यूनिट काम है टोटल। अब 120 यूनिट हो गया, रोको दो इसको, अब टोटल काम हो गया 120 यूनिट। ये दोनों मिलके एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट काम, तो 120 यूनिट काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट, तो 120 यूनिट काम करने में क्या दिन, 5 से भाग दे देंगे, 24 × 5 = 120, 24 दिन में समाप्त कर देंगे। समझ में आया। चलो, आज हम लोग अब टाइप टू की ओर चलते हैं, टाइप वन खत्म करते हैं। टाइप वन में 4 सवाल बताए और टाइप वन का अब जितना भी सवाल होगा लगभग बन जाएगा तुम लोगों से। अब टाइप टू चलते हैं। चलिए, टाइप टू का ये पहला सवाल है, राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को समझना है, सवाल समझने वाली चीज़ है, अगर सवाल को बढ़िया से समझ जाओगे तो अपने से भी बना सकते हो। चलो, राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में, मतलब दोनों मिलके एक काम को 4 घंटे में करता था ना। यदि केवल राम उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, केवल राम क्या घंटे में करता है, 6 घंटे में, तो बताइए कि केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में, राम और श्याम मिलके 4 घंटे में कर रहा था, केवल राम 6 घंटे में करता है ना, अकेले राम 6 घंटे में करता है, तो पूछा है अकेले श्याम क्या घंटे में करेगा। चलो देखते हैं सवाल कैसे बनता है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, क्या बोले थे लिखना, आदमी, इसके बाद समय, इसके बाद कार्य क्षमता, और फिर पूरा कार्य। ठीक है, आदमी देखो, अभी राम और श्याम मिला है ना, राम प्लस श्याम ना, राम प्लस श्याम क्या दिन में करता है, वह 4 घंटे ना, अभी समय दिया है घंटा में, 4 घंटे में, और अकेले राम जो है क्या घंटे में करता है, अकेले राम जो करता है 6 घंटे में। टोटल काम कैसे निकालेंगे,
अगर लघुत्तम लेते तो टोटल काम निकल जाएगा, चार और छः का एलसीएम 12 होगा, काम का इकाई यूनिट होता है, चलो यूनिट इसको 12 यूनिट टोटल काम हो गया ना। तो राम और श्याम का क्षमता कितना है भाई, अगर चार दिन में दोनों मिलकर ख़त्म करता है तो 12 यूनिट क्या दे रही थी, 12 यूनिट काम है तो एक चार दिन में चार घंटा में ख़त्म कर देता है ना, तो एक घंटा मतलब क्षमता जो निकलता है, अगर बोले थे समय घंटा में दिया रहे तो उसका क्षमता घंटा में निकलता है ना, दिन में दिया रहे तो उसका एक दिन का क्षमता कहलाता है या घंटा में दिया है। टोटल काम 12 यूनिट है, राम और श्याम चार घंटा में काम समाप्त कर देता है 12 यूनिट, तो एक घंटा में कितना काम करता है, 3 यूनिट ना। राम 6 घंटा में काम समाप्त करता है यही 12 यूनिट काम को, तो एक घंटा में कितना, इसका क्षमता कितना है, 2 यूनिट, मतलब एक घंटा में 2 यूनिट काम करने की क्षमता है, तो 6 घंटा पूरा काम मतलब 12 यूनिट काम खत्म कर देता है ना। तो बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक काम हम लोग कर दिए हैं, तो बताइए केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, केवल अभी श्याम पूछता है ना। राम का क्षमता कितना है बाबू रे, 2 यूनिट, राम का क्षमता 2 यूनिट हो गया, तो श्याम का कितना हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ है राम प्लस श्याम का क्षमता कितना है, राम प्लस श्याम का क्षमता कितना है, 3 यूनिट, जिसमें राम का क्षमता जो है क्या यूनिट है, राम का 2 यूनिट, यहाँ राम की जगह पर 2 यूनिट लिखते हैं, कोई दिक्कत, इधर श्याम था बराबर 3 यूनिट ना, तो श्याम का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 यूनिट उस पार चल जाएगा, इस बार इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस, अर्थात 1 यूनिट ना। श्याम का क्षमता कितना निकला, 1 यूनिट ना, चलो श्याम जी का जो क्षमता निकला ये 1 यूनिट निकला ना, केवल श्याम, श्याम एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक घंटा में 1 यूनिट काम करता है, समय दिया घंटा में तो एक घंटा में 1 यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट काम करने में कितना देर लगाएगा भाई, 12/1 घंटा हो गया तुम्हारा 12 घंटा, आया समझ में, चलो टाइप 2 पर ऐसे ये सवाल मिलेगा तुम लोगों को, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, पहला सवाल देख लिया टाइप 1 का, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। चलो दूसरा सवाल आ गया, इसमें बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दो आदमी है ए और बी, यदि ए अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए क्या आदमी समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ना, बी को कितना समय, ये पूछ रहा है बी कितना समय लगाएगा, चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आदमी लिखते हैं हम लोग ना, इसके बाद समय लिखते हैं, इसके बाद कार्य क्षमता लिखते हैं, और फिर पूरा कार्य लिखते हैं ना। आदमी मेरा है अभी दुदू आदमी काम कर रहा है ना, ए प्लस बी मिलके काम कर रहा है, तुम्हारा कितने समय मेरे 6 दिन में, ए अकेले के आदमी करता है, ए अकेले करता है 10 दिन में, टोटल काम कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे समय का ना, मतलब 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट ना। तो ए और बी दोनों का क्षमता कितना है एक दिन में, एक दिन का क्षमता है 6×35 ना, मतलब 30 यूनिट काम है 6 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में क्या यूनिट काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ना, चलो, और ए अकेले 10 दिन में काम खत्म कर देता है, ए अकेले 30 यूनिट काम 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए का क्षमता कितना है, 3 यूनिट ना। तो बोलता एक अकेले कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, बी को ना, बी को अकेले कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, बी ए तो कर रहा है 3 यूनिट के दर से 10 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है, तो ए का निकालना है, देखो ए प्लस बी का क्षमता कितना दिया है, 5 यूनिट, मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इसमें ए दे दिया है 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट यहाँ लिख दिए, प्लस बी बराबर 5 यूनिट, यहाँ सॉल्व कर दो, इधर 2 यूनिट बच जाएगा, 5 में 3 चला गया, 2 यूनिट बचा, मतलब ई तुम्हारा किसका निकला, बी का क्षमता ना, बी का क्षमता निकल गया 2 यूनिट, बी का क्षमता कितना निकला, बी का क्षमता निकल गया 2 यूनिट, अब बी का क्षमता मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है,
ना, बी एक दिन में क्या यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 30 यूनिट काम करने में कितने समय लगाएगा भाई, 30/2 15 दिन लगा देगा भाई, मतलब 15 दिन खत्म हो गया इस काम से, 15 दिन मतलब 15 दिन में काम खत्म कर देगा अकेले ना, 15 दिन हो गया आंसर। ठीक, चलिए टाइप 2 पर ही तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए टाइप 2 की तीसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग ना। टाइप इसमें बोलता है, पहले 2 आदमी हम लोग देख रहे थे, इस बार 3 आदमी है, ए बी और सी ना। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है इसका। सबसे पहले हम लोग आदमी लिखते थे ना, समय लिखते थे, कार्य क्षमता लिखते थे, और अंत में पूरा कार्य ना। ठीक है, आदमी ए बी और सी, आदमी ए बी सी मिलकर, मतलब तीनों मिलकर काम कर रहा है, मतलब तीनों जुटल है, ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 6 दिन में, 6 दिन में। जबकि ए अकेले, उसे क्या दिन में, ए अकेले 12 दिन में, और बी अकेला 30 दिन में। नीचे वीडियो तो कटता है ना, ठीक। बी अकेला 30 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम कितना हो गया, 6, 12 और 30 का जब एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट हो जाएगा, 60 होगा। ठीक, इसमें यूनिट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए बी सी का तीनों का क्षमता कितना है, एक दिन का, मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 × 2 = 60, 10 यूनिट काम करता है एक दिन में ना। ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में 60 यूनिट ना। ए अकेला एक दिन में 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है ना, तो इसका क्षमता तो पता ना है, तो 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में क्या यूनिट, 5 यूनिट। बी 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। सबका क्षमता निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। समय और कार्य में सबसे बहुत बड़ा भूमिका कार्य क्षमता निभाता है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और पूरा कार्य पर, पूरा काम निकल जाएगा तो जो दिया रहेगा वो निकाल लेंगे हम लोग। कार्य क्षमता पता रहेगा, एक दिन में इतना काम करते हैं तो कितना काम है वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। तो इसमें सवाल फिर से पढ़ लो, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 12 दिन में तथा बी अकेले उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे ना। चलो आदमी पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहा था, ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 30 दिन में कर रहा था, ये सवाल है मेरा। चलो देखते हैं। देखो ए प्लस बी सी का क्षमता नहीं दिया है ना रे, ए और बी का क्षमता दिया है। अगर सी का निकालने क्षमता, तो सी पता लग जाएगा वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, मतलब सी का पता लग जाए कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो बाकी मेरा टोटल काम कितना दिन में होगा, तो निकाल सकते हैं। पहले सी का क्षमता निकालेंगे तब तो। चलो ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 10 यूनिट ना। तो ए का वैल्यू देखो 5 यूनिट है, 5 यूनिट यहाँ लिख देते हैं। बी का वैल्यू देखो 2 यूनिट है, मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बच गया सी बेचारा अकेला, तो सी का निकाल दो भाई, कैसे निकलेगा, 5 × 2 = 7, 7 × 10 = 7 जाएगा 3 यूनिट ना। सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ना, सी का क्षमता कितना निकला, 3 यूनिट, मतलब सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा, 60/3 मतलब भाग दे दो निकल जाएगा 20 दिन में, क्या रोक। ठीक है, टाइप 2 का चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चलो चलो टाइप 2 का दूसरा चौथा सवाल सामने में हम लोगों का। इसमें बोलता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में, तथा ए और सी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं ना। तीनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब तीनों का क्षमता निकालना होगा ना। आदमी इसमें क्या गोया, अच्छा आदमी तो 3 ही है, बी कभी ए के साथ आया है, कभी सी के साथ आया है ना, सी कभी ए के साथ आया है तो कभी बी के साथ आया ना, ए कभी बी के साथ आया, कभी सी के साथ आया है। आदमी तो 3 को ही है, वही आदमी उलट फेर करके किसी, कब
उसके साथ सट जाता है तो कभी दूसरे के साथ सट जाता है, ये सब क्या उलट फिर। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका सोल्यूशन देखो तो कैसे करते हैं। पहले वही लिखेंगे, आदमी लिखते हैं सर्वप्रथम, पहले इसके बाद समय लिखते हैं, इसके बाद कार्य क्षमता लिखते हैं, और फिर पूरा काम लिखते हैं ना। आदमी मेरा पहले ए और बी मिलके कर रहा है ना, ये दोनों आदमी मिलके कर रहा है क्या दिन में, 12 दिन में। और बी और सी मिलके क्या दिन में कर रहा है, 15 दिनों में ना, 15 दिनों में। और ए और सी मिलके क्या दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में ना। चलो सबका दिन दे दिया है, दिनों हटा दो। चलो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, बोले एलसीएम ले लेंगे टोटल काम निकल जाएगा, 12 15 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट हो जाएगा। चलो तो ए बी का क्षमता कैसे निकलेगा, ए बी दोनों मिलके कर रहा है 60 यूनिट काम 12 दिन में, तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा ना। बी और सी मिलकर 60 यूनिट काम करता है 15 दिनों में, तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। ए और सी मिलकर 20 दिन में काम करता है 60 यूनिट, तो इसका क्षमता कितना रहा होगा, 20 दिया 60 ना। अब सबको मिला दो, तो एक बार ये सबको मिला दो, एक ए यहाँ एक ए यहाँ दो ए लिख दें, एक बी यहाँ दो बी लिख दें, एक सी यहाँ दो सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। इस सब मिल के जो कर रहा है या तो अगर ऐसे समझ में आया ना, अगर ना आया समझ में, ए ए पहले ए लिख देना, फिर बी बी लिख देना, सी सी लिख देना, ठीक। तब उससे आ जाएगा 2a 2b 2c आ जाएगा ना, ये 2a 2b प्लस 2c मिल करके इसका क्षमता कितना है, 5 4 9 3 12 यूनिट ना। 2 देखो सब में 2 है, 2 इसका कॉमन ले लो, तो a प्लस b प्लस c आ गया बराबर कितना है, 12। तो a प्लस b प्लस c खाली कितना हो जाएगा, इधर दो गुना में इधर भाग हो जाएगा, मतलब a प्लस b प्लस c का क्षमता कितना आ जाएगा, 6 यूनिट ना। अब सब का क्षमता निकालना, a प्लस b प्लस c का दिया है 6 यूनिट, इसमें b प्लस c का मान रख देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, अभी a प्लस b का वैल्यू रख देंगे c का निकल जाएगा, और फिर a और c का वैल्यू रख देंगे तो b का निकल जाएगा ना। चलो a और b का मान रखते हैं, a और b का वैल्यू रखने पर, तो बताओ a प्लस बी कितना काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट। a प्लस बी की जगह पर 5 लिख दें, अब प्लस सी इधर बच जाएगा बराबर 6 यूनिट, तो c बराबर 5 को उधर ले जाते, 1 यूनिट c का क्षमता निकल गया 1 यूनिट। वैसे ने a प्लस बी प्लस सी में अभी b प्लस सी का मान रख दो, इस बार b प्लस सी का मान रख देते हैं, b प्लस सी का मान रखते हैं, मान रखने पर नीचे आता है ना वीडियो, नीचे कट तो ना, ठीक है। बी प्लस सी का मान कितना है भाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6 यूनिट। अभी बी प्लस सी का मान रखे हैं, बी प्लस सी का मान कितना है, 4 यूनिट, ए प्लस 4 बराबर 6, तो ए बराबर 2 यूनिट ना। अभी ए और सी का वैल्यू रख दो, और इस सी का मान रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट है, ए और सी का वैल्यू रखना है, ए और सी का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट। ए और सी की जगह पर 3 यूनिट लिखना, इधर बच गया बी बराबर 6, बी बराबर 6 में 3 गया 3 यूनिट। सबका क्षमता निकल गया, सी का क्षमता निकल गया 1 यूनिट, ए का क्षमता निकल गया 2 यूनिट, और बी का निकल गया 3 यूनिट ना। अगर सी अकेले करना चाहे तो क्या दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, टोटल काम 60 यूनिट है, सी अकेला एक दिन में करता 1 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने के लिए 60 दिन लगाएगा ना। अगर ए करना चाहे तो ए का क्षमता है एक दिन का 2 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में क्या दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा भाई। और फिर ए और सी का बी 3 यूनिट करता है, थोड़ा वीडियो इधर कटेगा, इसको थोड़ा ध्यान देके देखना है, सुनना है इसके बारे में। बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, तो 60 यूनिट का क्या दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा भाई, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको समझ लो, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में 20 दिन लगाएगा, समझ में आ गया।
चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक सवाल और चलते हैं टाइप टू में, फिर चलेंगे टाइप थ्री में। चलो टाइप टू का पांचवा सवाल है ये। इसमें कहता है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, फिर दे दिया बी और सी उसे 3 घंटा में। अभी 2 आदमी मिल गया, ये अकेला था 4 घंटा में कर रहा था, अभी बी और सी दोनों आदमी जुट गया तो 3 घंटा में करता है, तथा ए और सी, अभी ए और सी मिल गया है उसे 2 घंटा में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सवाल समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। करना कुछ नहीं, वही 4 चीज़ हमको याद रखना है, आदमी, समय, कार्य क्षमता और पूरा काम। चलो आदमी, समय, कार्य क्षमता और फिर पूरा कार्य, ठीक है। चलो आदमी क्या क्या है, सबसे पहले तो ए नाम का आदमी था कोई जो 4 घंटा में करता था ना, चार घंटा। बी और सी मिलके 3 घंटा, और फिर ए और सी मिलके 2 घंटा ना। चलो टोटल काम कैसे निकालेंगे, 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 यूनिट हो जाएगा ना, 12 यूनिट। ए 12 यूनिट काम करता है 4 घंटा में, तो 1 घंटा मतलब क्षमता उसका कितना है, 3 यूनिट, मतलब 1 घंटा में 3 यूनिट काम करने का शक्ति है ना, 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है। बी और सी मिलके 3 घंटा में करता है 12 यूनिट काम, 3 घंटा में 12 यूनिट, तो 1 घंटा में क्या यूनिट, 4 यूनिट। ए और सी 2 घंटा में 12 यूनिट ना, तो 1 घंटा में क्या यूनिट, 6 यूनिट। इतना दूर समझ में आ गया? इसमें क्या पूछता है, बी अकेला उस काम को ना, बी और सी, पहले हम लोग सी का वैल्यू निकाल लो, तो ए का वैल्यू रख के सी का मान निकल जाएगा, ए प्लस सी दिया 6 यूनिट, इसमें अगर ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो सी का निकल जाएगा ना, ए का वैल्यू रख देंगे तो सी का निकल जाएगा, अब सी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी का निकल जाएगा, है इतना दूर समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ए प्लस सी बराबर दिया 6 यूनिट, इसमें ए का वैल्यू कितना दिया है भाई, 3 यूनिट, मतलब ए को कार्य करने का क्षमता है, इसका जो औकात है ये 3 यूनिट है ना, तो सी का निकल जाएगा 6 यूनिट, तो सी बराबर 3 यूनिट ना, सी का औकात पता चल गया, सी का औकात पता चल गया कि सी 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर सकता है ना। अभी सी का वैल्यू अगर इसमें रख दें तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। चलो बी प्लस सी बराबर 4 यूनिट है, इसी का जो औकात है यार रख दो भाई, बी प्लस 3 यूनिट बराबर 4, तो बी का औकात कितना निकला बताओ, तो 4 में 3 चल जाएगा, 1 यूनिट ना। बी 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएगा, 12/1 अर्थात 12 घंटा। समझ में आया? चलो इस तरह से टाइप 2 को ख़त्म करते हैं, इसमें से जितना भी सवाल रहेगा तुम लोग बना के देखना, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं, क्या आगे अब कल देखेंगे टाइप 3 क्या आज। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो एक बार आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।